हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने बचपन में ऐसा कुछ किया था? किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इस पौधे को किताबों में भी रखा जाता था, यह सोचकर कि एक दिन हम बड़े अच्छे नंबर लाएंगे। जी हाँ, इसे विद्या का पौधा, मोर पंखी या फिर थूजा के नाम से पहचाना जाता है। थूजा प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जिसका फॉलिएज बहुत ही अलग होता है। इसे अलग अलग शेप्स देके गार्डन में उगाया जाता है। इसकी दो टाइप की वैरायटी होती है, जैसे कि लाइट ग्रीन जिसके पत्ते छोटे होते हैं और डार्क ग्रीन जिसके पत्ते बड़े होते हैं। वैसे तो ये हर एक सीजन में अच्छी ग्रोथ देता है, लेकिन विंटर सीजन में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है। समर सीजन और बरसातों में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसे 6 महीने में एक बार हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है और इसे खूबसूरत शेप दिया जाता है। इसका प्रोपगेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है, इसके पत्तियों से ही फूल निकल आते हैं और फूल जब सूख जाते हैं उसमें से सीड निकल आते हैं। सीड को हमें सॉइल मिक्स में डालना है और 10 से 15 दिन के बाद इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। जब ये पौधे 1.5 इंच के हो जाए तब इसे सेपरेट पॉट में ट्रांसफर कर देना है। इसका ग्रीन फॉलिएज बरकरार रखने के लिए इसे 4-5 घंटे की अच्छी धूप में रखना है। अगर बहुत ही कड़ी धूप हो तो इसके पत्ते जल भी सकते हैं। थूजा प्लांट का इस्तेमाल होम्योपैथिक मेडिसिन में भी किया जाता है, खास करके वार्ट्स एंड कॉर्न्स के इलाज में इसका बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है घर के एंट्रेंस में मोर पंखी के 2 पौधे लगाने से घर में समृद्धि और पॉजिटिविटी आती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।